नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं आईपीएल की ओर। बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल ने राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल के 30वें मुकाबले में मात देकर के पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित ओवर में 7 विकेट पर 161 रन बनाए। जवाब में राजस्थान 148 रन ही बना सकी। आईपीएल के इस सीजन में दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने हुई थी और दूसरी बार भी दिल्ली ने ही बाजी मारी। हालांकि बल्लेबाजी के मामले में दिल्ली ने पारी की शुरुआत में निराश किया, मगर श्रेयस अय्यर और शिखर धवन की अर्धशतकीय पारी ने टीम को संभाला और राजस्थान के सामने चुनौतीपूर्ण स्कोर भी रखा था। इसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। फील्डिंग के दौरान दिल्ली के कप्तान अय्यर चोटिल होकर बाहर भी चले गए थे, लेकिन 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जॉर्ज बटलर और बेन स्टोक्स ने राजस्थान को तेज शुरुआत दिलाई। बटलर ने शुरुआती 3 ओवर में चौके लगाए और 37 रन जोड़े, मगर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एनरिच नॉर्टेज ने उन्हें बोल्ड कर राजस्थान को पहला झटका दिया। बाद में एक के बाद एक विकेट गिरते गए। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 73 लाख के पार हो गया है। कोरोना से अब तक 73,07,098 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 67,708 नए मरीज मिले। बुधवार को 680 लोगों की जान गई और 76,000 मरीज रिकवर हुए। संक्रमण के चलते 111,266 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि अब तक 63,83,442 लोग ठीक हो गए, जबकि 8,12,390 मरीजों का अभी भी इलाज जारी है। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट तेज होने लगी है। आरक्षण के मसले को लेकर के राज्य सरकार ने नाराज चल रहे गुर्जर नेता आगामी रणनीति बनाने के लिए 2 दिन बाद 17 अक्टूबर को भरतपुर जिले के पीलूपुरा क्षेत्र में स्थित अड्डा गांव में जुटेंगे। वहां गुर्जरों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। पूर्व में यह महापंचायत 17 अक्टूबर को सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर गाँव में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। अब इसका स्थान बदल दिया गया। वहीं गुर्जर नेताओं के बढ़ते मूवमेंट को देखते हुए राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है। स्थिति अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य सरकार आरक्षण मामले को लेकर गंभीर नहीं है। बैसला ने आरोप लगाया कि गुर्जर समाज आरक्षण मामले को 9वीं अनुसूची में डालेंगे। बैकलॉग भर्तियां भरने के प्रक्रियाधीन भर्ती में MBC को 5% आरक्षण देने का लाभ की बात भी की गई। साथ ही साथ राज्य सरकार से कर चुके हैं कि वहीं पूर्व में आंदोलन के दौरान मारे गए समाज के लोगों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने, मुकदमों को वापस लेने और पूर्व में दी गई नौकरियों के नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत छात्र प्रमुख नीलम गुर्जर के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में लगातार बढ़ रही बलात्कारी अत्याचारी व बिगड़ी कानून व्यवस्था की घटनाओं को लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रांत छात्र प्रमुख नीलम गुर्जर ने बताया कि राजस्थान का इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। यह धरती वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, पन्ना भाई, पृथ्वीराज चौहान एवं सूरजमल की है, परंतु वर्तमान में राजस्थान में आयोजित बढ़ रही घटनाओं से लेकर राजस्थान में कोई कानून व्यवस्था व शासन तंत्र नहीं, यहाँ पर जंगलराज जैसा प्रतीत हो रहा है। बीजेपी ने मांग की कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से प्रदेश में हालात समय रहते हैं तो राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारा जाए। क्या आपका प्रदर्शन ने क्या मामला बताओ? राजस्थान में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आ रही है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि यहाँ का शासन तंत्र और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे जंगलराज जैसा प्रतीत हो रहा है। आए दिन हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं एवं छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले हमारे सामने आते हैं, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। राजस्थान प्रदेश का ऐसा कोई भाग नहीं है जहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने नहीं आ रही है। पिछले 8 महीनों का अगर हम देखें तो 8 महीनों में 3,500 के करीब बलात्कार के मामले जो है जो दर्ज हुए हैं, जो कि बहुत ही ये जो गलत सूचक है। राजस्थान समाचार पत्रों के माध्यम से भी अगर हम देख रहे हैं तो राजस्थान अव्वल, इस प्रकार की घटनाओं में राजस्थान अव्वल है।
जो कि बहुत ही गलत है। दुष्कर्म, बलात्कार, हत्याएं और अन्य संगीन ऐसे अपराध बहुत सारे हैं जो कि राजस्थान प्रदेश में लगातार घटित होते रहे। प्रशासन लग रहा है कि वो विफल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अपराधों में जहाँ कमी होनी चाहिए वहाँ पे लगातार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इस प्रकार प्रशासन के विफल होने के लिए के कारण हम ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। वो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 15 अक्टूबर जो कि आज है, सभी जिला केंद्रों पर इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन एवं धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। दौसा जिले की नवसर्जित ग्राम पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत कल्लावास के सरपंच मिश्री लाल महावर ने वेद मंत्र और पूजा अर्चना के साथ अपना पदभार ग्रहण किया। ग्राम पंचायत कल्लावास की जनता का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के कल्लावास सरपंच मिश्री लाल महावर व उप सरपंच धर्मेंद्र कुमार शर्मा, उप बिल्लू भाई ने विधि विधान और पूजा अर्चना कर अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर फूल माला व साफा बंधवा कर लोगों ने सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों का स्वागत किया। इस दौरान कई वक्ताओं ने ग्रामीणों को संबोधित किया। उप सरपंच धर्मेंद्र कुमार, उप बिल्लू भाई ठाकुर, भवर सिंह, पूर्व सरपंच गोविंद नारायण सहित अनेक लोग मौजूद रहे। एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को उनकी दिग्गज सीट से हराकर पहले ही अपना वर्चस्व कायम कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं के लिए गुंजल को जमीन लड़ते देखा गया। इस वजह से गुंजल ने अपने फेसबुक पेज पर एक सेलिब्रिटी की तरह पहचान बना ली। लाखों लोग गुंजल को फॉलो करते हैं। आगामी नगर निगम चुनाव के संदर्भ में आज सुबह भाजपा का कोटा उत्तर कार्यालय पर कुन्हाड़ी मंडल व रेलवे स्टेशन मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक में संपूर्ण कोरोना गाइडलाइन की सुरक्षा के साथ आयोजित की गई। इसमें आने वाले समय में गुंजल ने अपनी वापसी तय कर ली है। EDL जैसे मुद्दे जिन पर कोटा की जनता पहले से ही आक्रोश में है, वर्तमान सरकार के वादे पूरे नहीं हो पा रहे। चुनाव से पहले आए दिन कोटा में ED के कार्यकर्ताओं लोगों के चालान काट रहे हैं, VCR भर रहे हैं। कोरोना काल से देश गुजर रहा है, इसके बाद भी सरकार जनता कोटा की त्रस हो चुकी है। हर तरह से सरकार ने जनता परेशान है। व्यापार खत्म हो गया, इसके बाद भी दुकानें, मकानों, बिजली का बिल लोगों को लॉकडाउन के बाद भी जमा करवाना पड़ रहा है। इस चुनाव में कई ED की वापसी को लेकर मुद्दे गर्म हो रहे हैं। एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। सिकंदरा थाना अंतर्गत झिंझड़ गांव में घर से दूर खेत में बबूल के पेड़ पर 35 वर्षीय व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में शव लटका मिला, जिसे ग्रामीणों ने पेड़ से उतारकर घर पहुंचाया। सूचना पर सिकंदरा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक मुकेश गुर्जर को सिकंदरा के राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 8 बजे अगर कमाल कंट्रोल रूम से जब टेलीफोन इतना मिली कि एक व्यक्ति ने झिंझड़ गांव में फांसी लगा ली। अच्छा, इतला पर मन ये सही मैं जाता के थाने से रवाना होकर झिंझड़ गांव पहुंचे, जहां पर एक मृतक श्री मुकेश कुमार गुर्जर ने फांसी के फंदे से लटक कर लटकने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। जिसकी लाश को परिवारजन पेड़ से उतार के मकान के अंदर रख ली थी। हम लाश को लेकर CSH सिकंदरा पहुँचे, जिसका डॉक्टर साहब से मृतक मुकेश का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों ने कोई हत्या की आशंका या कुछ जताया कि इसमें कुछ भी नहीं जताया अभी तो, और जांच जारी है। और मृतक का पोस्टमार्टम करवा कर पंचायतनामा मुस्तक करके लाश परिवारजन को अंतिम दाह संस्कार हेतु उसके भाई अमर सिंह को एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। दौसा जिला एवं न्यायाधीश आनंद भंडारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा के द्वारा न्यायालय परिसर में विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में नो मास्क नो एंट्री का पोस्टर का विमोचन किया गया। लोगों को कोरोना से बचाने के प्रचार प्रसार में उसकी जानकारी व बचाव के बारे में लोगों को बताया गया। इस अवसर पर नगर परिषद के सौजन्य से सभी न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा सभी लोगों को मास्क वितरण किए गए।
इस अवसर पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी में मीडिया से रूबरू होते बताया कि हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही लोगों को उसके लिए प्रेरित भी करना चाहिए। बिना मास्क के नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं है। हमें मास्क के द्वारा ही कोरोना संक्रमित होने से बच सकते हैं, इसलिए सभी नागरिकों को से अपील है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करें। समय मिलने पर बार बार साबुन से हाथ साफ जरूर करें। इस अवसर पर नगर परिषद के आयुक्त सुरेंद्र कुमार मीणा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निर्देशक रामजी लाल मीणा भी मौजूद रहे। एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आज बांदीकुई विधायक जीआर खटाना ने अपने आवास पर जन सुनवाई की, जिससे विधायक खटाना ने वार्ड से आई हुई महिला की पानी की समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वही खाद्य सुरक्षा के लिए भी आई हुई महिलाओं की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। वही अन्य जगह से आए हुए ग्रामीणों की जन सुनवाई की, तुरंत समाधान का भरोसा भी दिलाया। वही विधायक खटाना ने सभी की समस्याओं को बारीकी से सुना और समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। विधायक खटाना ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई भी तरीके से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विधायक खटाना से कई ग्रामीण पंचायतों के नव निर्वाचित सरपंचों ने मुलाकात की। विधायक खटाना ने नव निर्वाचित सरपंचों को शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान नव वर्तमान नगर परिषद अशोक घाट ब्लॉक बी के निवर्तमान अध्यक्ष जय सिंह बोरा, आईटी सेल के पूर्व जिला संयोजक नरेंद्र भेसला, बनवारी लाल बेरवा, दिलीप माल, रामाकरण बेरवा, गिरीश शर्मा, बहादुर बेरवा, विश्राम प्रजापत, सोनू मुस्ताक, माही गुजर, गिरिराज ठेकेदार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। दिल्ली ने राजस्थान को 13 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंची। लगातार पांचवें मैच में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी। धवन और अय्यर ने लगाई 50। अनलॉक 5 आज से 7 महीने बाद खुलेंगे मल्टीप्लेक्स। आधी सीटें हुई बुक। एक शो शुरू होंगे और दूसरा खत्म होने का एक ही वक्त नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि यूपी में रिश्वत की बदर बांट करते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस वाले। महाराष्ट्र के थाने में मनाया गया हिस्ट्री शीटर का जन्मदिन। महाराष्ट्र में रेड अलर्ट हो गया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भरता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ मुंबई, ठाणे समेत उत्तरी कोंकण इलाके के लिए मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 73 लाख के पार हो गया है। कोरोना से अब तक 73,07,098 लोग संक्रमित हो चुके हैं।